दोस्तों, क्या इस चीज से भी रूबरू हो? तो नमस्कार जी, नमस्कार, जय जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के कुछ ऐसे जो हमारे बर्तन होते हैं जिनमें हम अपना कुछ ना कुछ स्टोर करके रखते थे, उनके बारे में रूबरू कराना चाहता हूँ, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों, आज कहीं ना कहीं वो चीज़ें विलुप्त होने के कगार पे हैं, हमें उनको बचाना है, उनका संरक्षण करना है। तो दोस्तों, बने रहे ब्लॉग में। कुछ याद आई अपने उत्तराखंड के पावन से पहाड़ की? ये इस बर्तन को देख के, जिसको हम बोलते थे अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में ठेकी। तो दोस्तों, ठेकी है ये, और जो हम इसका उपयोग करते थे वो करते थे हम दही जमाने में। तो दोस्तों, आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद देख रहा हूँ मैं इस बर्तन को। दोस्तों, काफ़ी मज़ा आ गया देख के, और आज मेरा टारगेट भी है कि मैं इसमें दही जमाऊँ। तो ये हमारे ताई जी कोई रहती हैं नीचे, उनके वहाँ मिली मेरे को ये, तो मैंने कहा एक बार क्यों ना अपने दोस्तों को भी इस चीज़ से रूबरू करवा दूँ। तो दोस्तों, ये है अपनी प्यारी सी और सुंदर सी ठेकी। दोस्तों, इसमें दही जमाते थे पहले से, बट आज हमारा उत्तराखंड कहीं ना कहीं इन चीज़ों को छोड़ते हुए आ रहा है पीछे, क्योंकि आज बहुत सारा ऐसा कांच का बर्तन यूज़ होने लगा है। मिट्टी की जो ये ठेकी है दोस्तों, इसमें अगर दही आप जमाओ और उस दही को आप खाओ तो उसका स्वाद ही कुछ लाजवाब होता है, अनोखा होता और है। और दोस्तों, दूसरा आइटम अपने पास है कशेरा, जिसका यूज़ होता है पानी भरने के लिए, और पानी काफ़ी शीतल, काफ़ी ठंडा, काफ़ी स्वादिष्ट होता है इस प्यारे से बर्तन में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, तो यह है कसेरा, और अभी मैंने अपने हाथ में ले रखा है ये। तो इसको देखकर भी दोस्तों अलग ही कुछ फील होता है अपने उत्तराखंडी होने का, क्योंकि ये चीज़ें अपने उत्तराखंड में ही देखने को मिल सकती हैं आपको। और आज मैंने इसमें भर दिया है बंधारे का पानी। ये देखिए दोस्तों, हल्की फुल्की बारिश आ रही है, और बारिश में मैंने इसको भरने के लिए लगा रखा है, और शाम को जाके कहीं ना कहीं इस पानी को अगर हम पीते हैं तो काफ़ी अलग ही मज़े आएंगे पीने में। तो दोस्तों, आप लोग तो हो शहरों में, शहरों की भीड़ में, और हमारे जो भी साथी इसको देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगी आज की दुनिया में। और शहरों में जो लोग हमारे रह रहे हैं तो उनको तो खास कर इस चीज़ के बारे में मैं रूबरू कराना चाहता था, परिचय कराना चाहता था इस चीज़ का। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और बारिश में ये प्यारा सा उत्तराखंडी कसेरा। दोस्तों, क्या इस चीज़ से भी रूबरू हो? छोटा सा लैम्प, जिसको हम बोलते हैं अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में लम्फू। तो ये लैम्प है दोस्तों, और इसमें अंदर कैरोसिन है, मिट्टी तेल भरा हुआ। और दोस्तों, ये बहुत ही प्यारी चीज़ होती थी हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए, खासकर डेवलपमेंट थोड़ा हल्के हुआ, धीरे धीरे हुआ, क्योंकि इधर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो उन पहाड़ों तक लाइट जल्दी पहुंच नहीं सकी। और हमारे आज के कई उत्तराखंडी परिवार इस लम्फू का यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत जगह लाइटें नहीं हैं, क्योंकि तार नहीं आ सकती है। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी लम्फू जला के करी है पढ़ाई? दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप किन किन लोगों ने लैंप जला के पढ़ाई करी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इस लैंप की रोशनी। तो दोस्तों, और इसको रखने के लिए एक स्टैंडर्ड जगह होती है, जिसको हम बोलते हैं जौ, पहाड़ी लैंग्वेज में जौ बोलते हैं इसको हम, एक रखने का स्थान जहाँ पर सलाई भी रखी जाती है, लैंप भी रखा जाता है। और दोस्तों, अगर लाइट चली जाए तो हम ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम यहाँ से इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। सपोज़ दैट मेरे को मलखन जाना है, तो ये हमारे मलखन होते हैं ऐसे, तो ये मलखन गया तो मैं मलखन भी ऐसे करके इससे रोशनी करके मैं सामग्री ढूंढ सकता हूँ अगर मुझे कुछ चाहिए तो। तो दोस्तों, ऐसा है अपना अतुल्य उत्तराखंड, बहुत ही स्ट्रगल कर रखा है उत्तराखंड के लोगों ने, मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो दोस्तों, उत्तराखंडी किसी से कम नहीं है, दिन में भी लैंप जला लेते हैं वो, ये देख रहे हो, बिहार घाम और मैल जलर और लम्फ, वाह। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल पालीवाल ब्रदर्स को सब्सक्राइब करें। आपको फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें।